क्या बात है, इससे कह पड़ी हो, दिमाग ज्यादा खराब है क्या? पता है तुम्हारी एक आदत बहुत गंदी है, तुम्हारी और पापा की भी। अब लड़ लो तुम। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का 7 बज रहा है और हम आ गए हैं सीधे किचन में, क्योंकि मम्मी को बहुत तेज़ से लग रही थी भूख, तो हमने सोचा कि चलो कुछ बना देते हैं। तो मैं यहाँ ओट्स बनाने आ गई हूँ, और पता है आज मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। एक तो बाबू बहुत परेशान कर रहा था और मुझे पता नहीं क्यों नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पूरी रात नहीं सोई। आपको मेरा थोबड़ा देख के पता चल रहा होगा, मेरा फेस जो है वो पूरी तरीके से स्वेलिंग कर गया है और बहुत अजीब सा हो गया है फेस। मतलब नींद नहीं आती है ना तो ऐसा होता है, और आंखें भी पूरी सूज गई हैं। तो बस यार मूड बहुत ख़राब था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले बना देते हैं, क्योंकि मम्मी कुछ खाएंगी नहीं तब भी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ किचन में, बस यही ओट्स ही बनाना है। उसके बाद मेरा मन यार आज किसी काम में नहीं लग रहा है, मतलब रात में यार सो ना तो क्या यार, काम में मन तो नहीं लगता है ना। तो बस चलते हैं हम ओट्स जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी को ओट्स खिला भी देते हैं। पानी कहाँ चला? पानी बाथरूम में। अच्छा, कर्टन लाने हैं, बॉटल लानी है, नमकीन लानी है, बिस्किट लानी है, अरे बहुत चीजें लानी है। पता है इतने दिन से लग रहा है कि जैसे कुछ काम जो है ना व्यवस्थित रूप से हुआ नहीं। हाँ, वो हो जाता है, बस लगा दो काम खत्म। हाँ अच्छा लगा दे। और अभी मम्मी को ओट्स वगैरह खिला दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे तेल लगाने लगी हूँ, क्योंकि मम्मी के जो बाल हैं वो बहुत रूखे रूखे से हो गए थे, और मतलब उनका सर भी बहुत रूखा रूखा सा लग रहा था, तो बोली थी तेल लगा दो, तो मैं वही तेल लगाने लगी हूँ। और आप देख सकते हैं पीछे की पिलो वगैरह सब निकल गई हैं, तो कृपया करके इस समय मेरे घर पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत काम मैं करती हूँ और बहुत ज़्यादा काम भी है इस टाइम पर। मम्मी बीमार पड़ गई हैं, बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं ना, तो इस वजह से काम बहुत बढ़ गया है, तो प्लीज़ मेरे घर पर ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा। क्या बात है, इससे कह पड़ी हो, दिमाग ज्यादा खराब है क्या? न्यूज तो नहीं देख रही हो? न्यूज तुम देखती नहीं? मैं इस लगी रो, मेरे बचने की नहीं तो वो खा लो क्या? एक पैरासिटामोल खा लो, कुछ भी, उसमें एंटीबायोटिक लगा लो। हाँ दोबारा खाना गया, खिचड़ी कम पड़ गई थी ना तो ऑर्डर करके आया। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ अरे आओ यार, अरे आओ अरे आओ, थोड़ा सा खाओ। अच्छा ये बता, ऐसे कुछ तीखा लगे तो जीभ रगड़ रहा था। और हमारे पापा को जो है ना नॉर्मल खाना नहीं पसंद है, खिचड़ी वगैरह एकदम तीखा, मतलब अपने पापा के जैसे एकदम तीखा चटपटा और बाहर का, मतलब कुछ चीजें सारी चीजें बाहर की। ये बिस्किट किसके हैं? बिस्किट उसी में ले आए हो? छोटू कहाँ है? सुंदर लग रहा हो, मुंह क्यों स्वेलिंग किया हुआ है? रात भर सोए नहीं जी। रात भर क्यों नहीं सोते हो? क्या किया करते हो? सो जाया करो, टाइम से सोया करो। पापा ऊपर आलू छाट रहे हैं ना? छाट चुके हैं, कुछ बाकी है अभी। पापा आलू बहुत छाट रहे हैं। तो छोटू अपने वहाँ गांव में है पापा? तुम्हारा बोलो कहो, उसका तो कोल्ड स्टोर में बैठा दिन जा छाटे खाते, दूसरे क्या छाट डरी है, इतना बढ़िया लगा था ना। नहीं सही बात गंगा प्रसाद के कुआं में जाकर तो छाट डरा था, छाट नहीं डरा था। हां समझ रहा है तू, देख सबका छोटा हो इंटरेस्ट है छाटे में ना आलू, या तो वो बॉम्बे खातिर आलू कोई किरे हो अभी। तो भाई जिसके यहाँ सड़ा गड़ा आलू हो वो बता दे, हम अपने पापा को भेजेंगे कोल्ड स्टोर में बैठा दिन जाए, पैसों मिली कुछ कमाई भी होगी कम से कम। लाइट चलते ना, हाँ तुम सबके गांव भर में छाटा करते हैं। खुद कहाँ है? लाइट ही नहीं चल रही इतनी देर, बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है पता है, बहुत सामान खत्म हो गया है, बहुत खत्म हो गया लगा। अरे
ये क्या है मतलब ये कैसे बात कर रही है हमसे इस तरीके से बात करोगे बताओगे क्या हमसे इस तरीके से बात करोगे कैसे बात करें बिल्कुल बात इस तरीके से नहीं होनी चाहिए सामान क्या कहता हूँ पोलाइटनेस झलकनी चाहिए सामान क्या कहता हूँ क्या कर्टेन नहीं है लाजोल नहीं है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए चावल के आटे के फरे, क्योंकि सासू माँ को चावल के आटे के फरे खाने हैं, वो भी सादे वाले, मतलब सिंपल वाले, भरे वाले नहीं, तो वो मैं बनाने आ गई हूँ। लेके आओ बस हो एंट्री। एंट्री हो जाती तुम्हारी घर। अरे ये क्या, अच्छा चावल के आटे की उंगली, उंगली नहीं, मेरी उंगली मत काटना, ये देखो चार चार पांच पांच इनको बनाने के बाद उसके बाद फ्राई करना पड़ेगा। ये इसमें पानी ले लो। कितना बनाओगी? बहुत बनाएंगे आज बस खा लो सब मजे से। हम खाते नहीं है। अभी इसको फ्राई करेंगे ना तब देखना कितना कितना आई डोंट लाइक। ये कौन सी आदत है यार? हमने एक्टिंग करी है। आई डोंट लाइक। ऐसे बोलते हैं क्या? हमने खाने को बोला नहीं। तो किसको बोला है? आई डोंट लाइक। पता है घर में बहुत लग रही है, जाओ एसी चला के आओ। पहले एसी नहीं चलाएंगे, बिल बहुत आता है। तुम खूब एसी में बैठती हो। हद है। तुम्हें खाना बनाने की आदत छूट गई, जल्दी जल्दी आदत पड़े तुम्हारी। मेरी खाना बनाने की आदत छूट गई? मेरी दुग्गल साहब की आदत छूट गई। कुछ भी। कितने दिन बाद खाना बना रही हो बताओ? पता है तुम्हारी एक आदत बहुत गंदी है। तुम कभी भी मतलब हम चाहे जितना कर दे कभी भी नहीं कह सकते कि इसने काम। तुमने वो चीज नहीं सुनी, सरकार जो जितनी अच्छी उसकी हमेशा मतलब वो क्या है, आलोचना करनी चाहिए। तो अच्छी कही जाती नहीं, आलोचना की जाती है, वरना कोई घमंड में चूर ना हो जाए। जैसे अपने मोदी साहब हैं, कितने उत्कृष्ट काम कर रहे हैं आप जानते हो। बहुत गलत आदत है, जिस दिन हमने कहना शुरू कर दिया ना तुम समझ नहीं पाओगे, भिगो भिगो के मारेंगे भैया। बीबी तो पूरी दुनिया डरती है। तुम तो बहुत डरते हो पता है कितना। वैसे बड़ी मेहनत कर रही थी सरिया के लिए बना डाले। नहीं कहा हम मेहनत करते ही नहीं, हमने कभी काम किया है? हम तो कुछ करते नहीं, सुबह उठ के सारे काम में तुम जुट जाते हो। सुबह नहीं, हमने किए थे इधर दो चार दिन से। एग्जॉस्ट ऑन कर लो तो गर्मी नहीं, कम नहीं। हमने हमेशा देखी है तुम्हारी और पापा की भी। अब लड़ लो तुम। लड़ने की क्या, लाठी निकालो दो लोग लड़ लिया। लड़ने की क्या बात है, अगर कोई कर रहा है तो कम से कम उसको प्रोत्साहित तो कर सकते हो। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बनाती हूँ, कल तुम्हें रसगुल्ला बना खिलाऊं। अगर 10 दिन कोई इंसान बना रहा है और तुमने एक दिन बना दिया ना, तुम उसको बुरा कह दोगे मुझे पता। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट नो। आदत है तुम्हारी, इससे तुम कभी बाज नहीं आ सकते हो। बाज तो रह नहीं गए, सब मरते आ रहे बेचारे, जब से 5G नेटवर्क लगा है ना। और यहाँ पे फरे बनने लगे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला था, फिर जीरा डाला, और उसके बाद 2 ग्लास पानी डाल दिया था, और उसमें नमक भी डाल दिया है। और जब पानी बॉयल होने लगता है तो इसमें हम ये फरे डाल देते हैं। अगर पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो जब फरे पकते हैं तो उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर जो फरे हैं वो ऐसे ही बना रहे हैं, और उसके बाद ये जब फरे बन जाते हैं तो उसके बाद हम दूसरी कढ़ाई में तेल और सारे मसाले वगैरह, अगर आप टमाटर खाते हैं टमाटर डाल लीजिए, और बस उसमें इसको छोटा छोटा सा काट के, मतलब इसके एक फरे के 2 पार्ट करके मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे सबको पता होगा लेकिन मेरा मन कर रहा था इसलिए मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप हमारी ये बकवास भी सुन लीजिएगा, कहीं मत जाइएगा। कहाँ से लाए हो ये? कहाँ से लाए हो? सिटी आई जल्दी जाओ। कुकर बंद करो यार, बहुत मस्त लाए हो। रेबिन कलर, रेबिन होता है कि रिबैन होता है? कंपनी का ईमान है, रिबैन होता है। रिबैन ले भैया, लगाओ इधर। बाबू मामा गॉगल्स लाया है। ये वाओ, सो स्मार्ट। बाबू देखे, बाबू देखे, ये देखा। वाह सो क्यूट, रो क्यों रहे हो? अभी लगाएगा ये। और अभी हम चलते हैं फरे खाने, और फरे के साथ मैं चाय पीती हूँ, और पतिदेव को ज़्यादा फरे नहीं पसंद इसलिए वो खिचड़ी खा रहे हैं, और इसके साथ थोड़ा सा उन्होंने फरा ले लिया है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए ब्लॉग में।